और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर माजदा में ले जा रहे कबाड़ सामान की कीमत 40,320 रुपए को तारबहार पुलिस ने किया जब्त, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबर के अनुसार 27/11/2020 को थाना तारबहार के सहायक उप निरीक्षक उमेश उपाध्याय, हमराह स्टाफ आरक्षक 1064564 के साथ टाउन पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान टाउन पेट्रोलिंग पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वाहन स्वराज माजदा में अवैध कबाड़ का सामान ले जाया जा रहा है। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराकर श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन RN यादव के मार्गदर्शन पर तत्काल थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक सहित हमराह स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर वाहन को रोककर पूछताछ किया गया। जो चालक से पूछताछ करने पर अपना नाम मोहम्मद असलम, पिता मोहम्मद रफीक खान, उम्र 34 साल, निवासी मगरपारा मरीमाई मंदिर के पास थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर बताया, उसे नोटिस देकर उक्त कबाड़ सामान एवं वाहन के संबंध में बिल प्रस्तुत करने को कहा गया। चालक द्वारा सामान का बिल नहीं होना बताया और सामान वाहन के दस्तावेज मालिक संतोष रजक चाटीडी पठान पारा थाना सरकंडा बिलासपुर का होना बताया। उक्त सामान का बिल प्रस्तुत नहीं होने पर, चोरी का सामान मालूम होने पर, संदेह पर कबाड़ सामान को गवाहों के समक्ष पुलिस के कब्जे में लिया गया। साथ ही आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा 41(1)(4)(379) भादवी का पाए जाने से कायमी समय पर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही वाहन स्वामी को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने की नोटिस भी जारी किया गया है। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रामझाझर।